वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू कॉन्टिन्यू आर नेक्स्ट पोएम चाइल्डहुड विच इज रिटन बाय मार्कस नेटन. मार्कस नेटन इज अ कॉन्टेम्परेरी पोएट. लाइक अ मॉडर्न पोएट ही ऑलवेज यूजेज सिंपल एंड एग्जैक्ट वर्ड्स इन एन आयरोनिक परस्पेक्टिव. This poem, The Childhood, brings out vividly the contrast between the periods of childhood and adulthood. दो तरह के टाइम पीरियड्स के बारे में डिफरेंस क्लियर कर रहा है. फर्स्ट इज चाइल्डहुड एंड द सेकेंड वन इज अडल्टहुड. चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, वेयर एज अडल्टहुड स्टैंड्स फॉर कनिंगनेस एंड हिपोक्रेसी. So in this poem, the poet laments the loss of innocence and simplicity. Lament means rona. The poet laments at the loss of simplicity and innocence. क्योंकि childhood time क्या हो चुका है? It is gone and now the poet is missing his childhood time. Now look at the first extract of the poem. When did my childhood go? And was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? First of all, look at here. The poet wants to start the poem with the question. And what the question the poet is asking here? When did my childhood go? Okay, means when did my childhood go? Kab gaya? Okay, means he is asking about the time. When did the poet's childhood go? Was it the day when I ceased to be 11? Means when he turned into 12 years. At that time, means he lost his childhood period. Was it that day? Now, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Means during adulthood period time, means we get to know about everything. हमें सभी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है. We get to know the difference between fiction and reality. हमें उसके बारे में भी क्लियर होता है. So was it that day when I realized that hell and heaven that could not be found in geography map? कि hell और heaven means जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अलग अलग तरह के facts, अलग अलग तरह के fictional stories हमें सुनाई जाती हैं. Was it that day when I realized, means जब मैं इतना मैच्योर हो चुका था, that I realized the fact that hell and heaven could not be found in the map of geography, कि इस तरह की कोई भी geography में जगह नहीं होती, and therefore could not be, और means ऐसा नहीं हो सकता, means now the poet has entered into the age of adulthood. तो अडल्टहुड पीरियड्स टाइम में एंटर करने के बाद ही न्यू द फैक्ट दैट ही नोज द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग लाइक हेवन एंड हेल, कि हेवन और हेल जैसा कुछ भी नहीं होता. सो वॉज इट दैट डे, कह रहे कि क्या ये वही टाइम पीरियड था व्हेन आई गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, कि मुझे सबके बारे में क्लियर हो गया था दैट हेल एंड हेवन आर नथिंग, कि यही वो टाइम पीरियड था व्हेन माई चाइल्डहुड वेंट अवे. So, was that day? The poet is asking the question. Now, look at the next extract. When did my childhood go? In the second extract, the poet is asking the same question again. Means, and he tries to give the answer also. And what did he say here? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? कह रहा है कि वो क्या ये वो टाइम पीरियड था when I realized the fact that adults जो बड़े होते हैं they were not all they seemed to be, कि वो वैसे नहीं होते जैसे वो pretend करते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं. ओके, हम सभी जानते हैं कि अडल्ट्स जो होते हैं मींस वो क्या करते हैं, उनका एक्शन और उनकी जो स्पीकिंग वर्ड्स होते हैं क्वाइट नॉट सिमिलर. बोलने का और कहने का, मींस करने का और बोलने का मेथड क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंट होता है. सो दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव, मींस हमें किसके बारे में बोलते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव, लव के बारे में हमें बताते हैं. दे प्रीच्ड ऑफ लव, हमें किसके बारे में सिखाते थे, लेसन देते थे लव के बारे में. बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली,
बट वो खुद इस तरह से लविंगली एक्ट नहीं करते, मीन्स बड़ों के कहने में और करने में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो वॉज इट दैट डे कि जब मुझे ये रियलाइज हो गया दैट दैट अडल्ट्स आर नॉट लाइक एज दे सीम टू बी, जैसे वो दिखते हैं वैसा वो प्रिटेंड करते हैं, मीन्स जैसा प्रिटेंड करते हैं वैसा वो काम करते भी हैं. मीन्स जब मुझे थोड़ा सा ये चीज़ रियलाइज हुई दैट अडल्ट्स आर नॉट द सेम एज दे सीम टू बी, क्या ये वही टाइम पीरियड था व्हेन माय चाइल्डहुड वेंट अवे. सो वाज दैट डे. नाउ द पोएट अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन इन द थर्ड एक्सट्रैक्ट ऑल्सो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I use, means when I realize my own importance, जब मुझे अपनी importance के बारे में पता चला, okay, means when I realized that I had my own individuality, कि मेरी खुद की individuality है, so my own mind to use, means I am using my own mind, तो मैं जब अपना mind use करने लगा, क्या ये वही time period था that my childhood went away. So now second line is, was it when I found my mind was really mine, means when I realized the fact that when I started thinking about myself, jab maine apne bare mein sochna shuru kar diya, kya ye wahi time period tha jab mujhe pata laga that my childhood went away somewhere. Okay, to use whichever way I use, जब मैं इतना बड़ा हो गया, इतना मैच्योर हो गया, एट दैट टाइम टू यूज विच एवर वे आई यूज, कि मैं अपने माइंड को जिस तरीके से यूज करना चाहता था उसी तरीके से मैं यूज कर सका. ओके, मींस क्या ये यही टाइम पीरियड था कि जब मेरा चाइल्डहुड टाइम पीरियड क्या हो गया, मेरे हाथ से चला गया. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, वॉज दैट डे, वॉज दैट द डे. सो द पोएट इज asking here that when I realized that I had my own individuality, जब मुझे ये realize हुआ कि मेरी अपनी एक individuality है, अपनी मेरी एक पहचान है, my own mind to use, when I started my own mind to use, जब मैंने अपना mind start किया use करना, as I pleased to produce thoughts, जब मैंने अपने ही नए thoughts produce करना start किए, that were not those of other people but my own, वो thoughts किसी और के नहीं थे बल्कि किसके थे, वो मेरे अपने ही thoughts थे. means was that the time, क्या ये वही time period था when my childhood went away from my hand. look at the last extract of the poem, where did my childhood go, here the question has been changed from where, when to where. And now the poet is asking, where did my childhood go? कि कहाँ चला गया? Earlier he was asking about the time, and now he was asking about the place. And it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. And here the poet is giving the answer also. And he is saying here that where did my childhood go? Here the answer is here. It went to some forgotten place. कि एक ऐसी जगह पर चला गया, एक forgotten place पर चला गया है, और वो forgotten place कहाँ पर छुपा हुआ है? That is hidden in a baby's face. Okay? वो कब दिखाई देता है? एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे के face पर वो दिखाई देता है. ठीक है, तो ये चाइल्डहुड टाइम पीरियड हम दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं व्हेन वी आर गेटिंग यंगर एंड यंगर. ओके, व्हेन वी इंक्लूड आर सेल्फ इन अडल्टहुड टाइम पीरियड, जब हम बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद हम उस चाइल्डहुड टाइम को दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं. और ये कब पॉसिबल होगा हमारे लिए? व्हेन वी सी द चाइल्डहुड सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस इन अ चाइल्ड्स फेस, जब हम किसी छोटे बच्चे के फेस को देखेंगे तो हमें अपना चाइल्डहुड टाइम पीरियड दोबारा से, वही सिंप्लिसिटी, वही इनोसेंस हमें दोबारा से दिखाई देगी. दैट इज ऑल आई रिमेम्बर नाउ, और यही सारी बातें हैं. दैट इज ऑल आई नो
ओके दैट इज ऑल आई रिमेंबर नाउ, कि यही बातें आज मुझे याद आती हैं कि वो टाइम पीरियड मीन्स जो मेरा चाइल्डहुड पीरियड था वो कहाँ चला गया, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन अ बेबीज फेस. ओके सो बाय दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू ही कम्स टू एम्ब्रेस द फैक्ट दैट द वर्ड ऑफ अडल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो छोटे बच्चों का वर्ड होता है और जो बड़ों का वर्ड होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. ओके दिस इज इट विद द पोएम चाइल्डहुड विच इज रिटन बाय मार्कस नेटन. वी विल कॉन्टिन्यू द इन द नेक्स्ट वीडियो द लिटरेरी डिवाइस, ओके द लिटरेरी टर्म्स ऑफ द पोएम चाइल्डहुड. थैंक यू.